चलिए तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो याद रखिए अल्पाइन हलचल। अगला है, पनियान बरुईल इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? केरल में। अगला है, लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणी। अगला है, मदर ऑफ फिरल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? ओजोन मंडल में। अगला है, कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? निकेल के लिए, निकेल के लिए। अगला है, पांच नदियों की पांच सागरों की भूमि से किसे संबोधित करते हैं? दक्षिण पश्चिम एशिया को। अगला है, भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजाति का बाहुल है? संथाल जनजाति। अगला है हमारा, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर गुजरात में। अगला है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछार को क्या कहते हैं? नेरी बिलोसम। अगला है, भारत में तीन सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगला है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। अगला है, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जल गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रमलिन। अगला है, भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग का लिहासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर निकलता है? जिलेपला। अगला है, भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। अगला है हमारा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। अगला है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है? नेफोमीटर। अगला है, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं तथा यहाँ से कौन से खनिज निकाले जाते हैं? कर्नाटक लोहे अयस्क। अगला है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है का नाम बताइए? तो 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा। अगला है हमारा, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल और कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है जबकि वहां ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। अगला हमारा, छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, कारण है यह क्षेत्र खनिज और शक्ति संसाधन से समृद्ध है। अगला हमारा, ओजोन परत का कार्य सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों का अवशोषण। अगला हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो यह ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर निकलने देता। अगला हमारा, डक्कन मार्ग किसके मध्य? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। अगला है हमारा, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति है के हैं? तो मंगोलियन प्रजाति है। अगला है, विश्व अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तूती कोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य प्रोद्याशय है जिस तट पर स्थित है? यह मालाबार तट पर। अगला है हमारा, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? जो मंडल में। अगला है हमारा, अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न भिन्न दिशाओं में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है, वे कौन सी है? नर्मदा और महानदी। अगला है, कोंकण रेलवे परियोजना किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अगला है, थीन बांध परियोजना किस स्थित है? पंजाब में रावी नदी पर, सावी या रावी, रावी थीन बांध परियोजना है, ये रावी नदी पर है, ठीक याद रखिए रावी। अगला है, शिवालिक के पर्वत पाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये भाबर। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा लगभग होती है? तो 1140 सेंटीमीटर। अगला है, कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तम उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है? ये सेंट फेरी बैंक।
अगला, एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है, ये कहलाता है बहुफसली। अगला क्वेश्चन, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूना का। अगला, सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। अगला, बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर में। अगला, ओजोन परत की क्षरण के कारण परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है जो स्थित है अंटार्कटिक पर के ऊपर। अगला हमारा, लोहे अयस्क के मुख्य निर्यातक को नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है, विशाखापट्टनम। अगला, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार में ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था, तो मैरिनस। अगला, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, इसके बावजूद यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण है, उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना। अगला, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है, पहाड़ियों का कीपाकार आरती में होना। अगला, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम पर। अगला, महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण है, पवन। अगला, बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया, मंगल पर। अगला, हीरक किला एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णता पंत चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। अगला, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भीतियां मोलस्का डॉल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं को स्थापित किया गया, कच्छ की खाड़ी में। अगला, मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया गया जाता है, इक्टिलॉजी। अगला, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में, गुजरात में। अगला, अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, इसके पीछे किसका हाथ होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। अगला, भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है जिसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु होती है, शिशिर। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, पहले पर राजस्थान। अगला, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई, कृष्णा नदी पर। अगला, कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र। अगला, वेलाडीला किस एस्क के लिए प्रसिद्ध है, लोह एस्क के लिए, याद रखिए वेलाडीला ये छत्तीसगढ़ में। अगला, नंदी हिल्स किस शहर के पास है, बसा है बेंगलोर के पास है। अगला, अगरतला किस राज्य की राजधानी है, त्रिपुरा की, याद रखिए त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और जो हमारी कर्क रेखा है ये भी त्रिपुरा से होकर गुजरती है। अगला, तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में, कर्नाटक में। अगला, मत्स्य उत्पादन सेंट फेरी बैंक क्षेत्र कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में। अगला, बरमूडा द्वीप कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में। अगला, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में। अगला, प्लैंकटन का विकास कहाँ होता है, ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लयाड शिखर सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अगला, वुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। अगला, भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया, कच्छ गुजरात में। अगला, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वान 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा, 10:38 पूर्वान। अगला, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा, थेल्स ने। अगला, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया, एरेटा
स्थेनीज ने अंगला टोड़ा गोंड भील तथा गारो से में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। अंगला अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अंगला भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी। अंगला भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है 7%। अंगला कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। अंगला नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दूसरा। अंगला भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है 3/4। अंगला फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है मैगी नॉट रेखा।